दोस्तों ये क्या हो रहा है लिटरली गाइज यहाँ पे गदर पार्ट टू ने वो करके दिखाया जो कि 1800 करोड़ करोड़ी कमाने वाली मूवी बाहुबली पार्ट टू भी दोस्तों नहीं कर पाई हेलो गाइस कैसे हो आप लोग स्वागत है आपका गदर पार्ट टू के डे टेन इस ये दसवां दिन है कोई पहला दूसरा तीसरा दिन नहीं भाई साहब जिस तरीके की दोस्तों यहां पे नंबर आ रहे हैं बड़ी से गाइस बड़ी मूवी अपने ओपनिंग डे में दोस्तों इतना कमाने की सोचती है तो भाई साहब इसने कह सकते हैं कि दोस्तों समय जज्बात सब कुछ बदल दिए उन लोगों को दोस्तों मैं ढूंढ रहा हूं भाई साहब मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो कह रहे थे कि गदर पार्ट टू तीन दिन की मूवी है मंडे से खल्लास हो जाएगी तो आज के नंबर देख लेना चक्कर नहीं आ जाए तो नाम बदल देना भाई साहब यहां पे जिस तरीके की दोस्तों ऑक्यूपेंसी मालूम चल रही है दोस्तों सेकंड संडे किसी भी मूवी ने दोस्तों 90 प्लस की ऑक्यूपेंसी तो तो भाई साहब मेरे होश में में तो जब से मैं वीडियो में आ रहा हूं किसी ने हासिल नहीं करी सेकेंड संडे और भाई साहब यहां पे जो नंबर आ रहे हैं आने वाले हैं दोस्तों आप लोग लिटरली शॉक्ड हो जाओगे तो भाई साहब करेंगे दोस्तों बात आज का पिटिशन लगाएंगे वहीं इसके अलावा शुरुआत के नौ दिनों का वर्ल्ड वाइड फिगर भी आपको बताएंगे उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की आप हमें सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ये वीडियो चारों तरफ फैल जाए तो करो भाई लाइक तो करते हैं अपने इस वीडियो के शुरू लेट स्टार्ट दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि आज यानी कि सेकंड संडे को किस तरीके के नंबर आ रहे हैं उससे पहले नौ दिनों का वर्ल्ड वाइड फिगर देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों हमने वर्ल्ड वाइड की कमाई के ऊपर बात नहीं की है देखो भाई साहब कल जो नंबर आए हमारा पिटिशन बिल्कुल ही सटीक बिल्कुल सही यानी कि इकतीस से बत्तीस करोड़ दोस्तों जो मैंने बोला था वैसे ही कुछ नंबर आए आप लोग कह सकते हो कि इकतीस करोड़ सात लाख रुपए ऑफिशियली फिगर दोस्तों रहे हैं कल के यानी कि 52 परसेंट का दोस्तों जंप लगा जो इतिहास में दोस्तों बहुत बड़ा जंप है क्योंकि ये जो मूवी है दोस्तों ऑलरेडी बड़े बड़े नंबर अपने पहले वीकेंड हासिल कर चुकी है तो सेकंड सैटरडे इस तरीके का नंबर आई एम टोटली स्पीचलेस दोस्तों देखो इस दो कमाई तीन सौ छत्तीस करोड़ बीस लाख रुपए हो गई है करोड़ और इसका ग्रॉस होता है दोस्तों थ्री नाइनटी सिक्स पॉइंट सेवन जीरो करोड़ यानी कि तीन सौ छियानवे करोड़ सत्तर लाख रुपए ओवर से दोस्तों इस मूवी ने सैतीस करोड़ रुपए तो कर लिए थर्टी सेवन करोड़ रुपए इस तरीके से चार सौ तैतीस करोड़ सत्तर लाख रुपए फोर डबल थ्री पॉइंट सेवन जीरो करोड़ इस मूवी ने शुरुआत के नौ दिनों में दुनिया भर से वर्ल्ड वाइड कमा लिए यानी कि दोस्तों ये बात बिल्कुल ही फिक्स है कि ये जो मूवी है ये अपने बॉक्स ऑफिस में दोस्तों मंडे या फिर ट्यूसडे तक वर्ल्ड वाइड फिगर में दोस्तों कह सकते हैं कि 500 करोड़ टच कर लेगी 80 करोड़ की बजट मूवी 500 करोड़ कमा रही है ओ भाई साहब मजा आ गया कहने की बात है भाई साहब सन्नी पाजी के अंदर दोस्तों वो क्षमता है वो अपनी इस एज में उनकी भाई उम्र 60 प्लस है इस एज में दोस्तों वो इतने मात्रा में ऑडियंस को बुला रहे हैं लिटरली गाइस देखो अगर मैं आपको बताऊं कि आज के फुटफॉल्स कितने आए सर पकड़ लोगे दोस्तों आप लोग यानी कि एक मिलियन से ज्यादा जंगस यहाँ पे दस लाख से ज्यादा दोस्तों फुटफॉल्स आए अभी फाइनल फुटफॉल्स तो गाइज हमें शाम को पता मतलब रात को पता चलेगा बारह बजे कि कितने लोगों ने आखिर फिल्म देखा है एडवांस में ही सात लाख लोगों ने दोस्तों टिकट कटवाए थे तो आप लोग कह सकते हो कि ये जरूर ही दो गुना ज्यादा हो जाएगा यानी कि लमसम दोस्तों बीस इक्कीस लाख आएंगे देखने के लिए तो भाई एक बार फिर से दोस्तों गदर पार्ट ने जो इतिहास रचा था यानी कि सबसे ज्यादा फिल्म दिखाने का लोगों को थिएटर तक बुला के तो भाई साहब ये काम दोस्तों ये कर चुकी है मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो मूवी है जल्दी रुकेगी नहीं।, नहीं रुकने वाली भाई साहब ड्रीम गर्ल आए या फिर कोई भी मूवी आए दोस्तों ये मूवी ऐसे ही रोला काटेगी बॉक्स ऑफिस में आप लोग बोलोगे कि ये बताओ कि आज यानी कि अपने सेकंड संडे को नंबर कितना आने वाला है ये कमा कितना सकती है देखो भाई साहब यहां पे इसके लिए दोस्तों हमें ऑक्यूपेंसी देखनी होगी और मैंने यहां पे दोस्तों आपको एक चीज बताया नहीं कि डे में ये नंबर एक मूवी बन चुकी है पहली मूवी है जिसने दोस्तों इकतीस करोड़ कुछ लाख रुपए की कमाई की जबकि दोस्तों अगर हम लोग यहां पर बात करें कि दूसरे में अब कौन आ गया तो आ गया बाहुबली पार्ट टू जिसने छब्बीस करोड़ पचास लाख रुपए की कमाई की थी भाई गाइस इसी के साथ लग रहा है कि दसवें नंबर पर भी ये गदर पार्ट का ही नाम अब सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा हालांकि भले ही दोस्तों शुरुआत में इस मूवी ने वैसी ओपनिंग नहीं ली जैसे कि पठान ने जैसे कि के ने लेकिन दोस्तों इस मूवी ने अब जो रिकॉर्ड बनाया है वो काफी तगड़ा है यानी कि अभी डे टेन में भी दोस्तों इसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला है अब पूछो वो क्यों क्योंकि देखो बाहुबली ने दोस्तों चौंतीस करोड़ पचास लाख रुपए की कमाई की थी अपने दसवें दिन यानी कि सेकेंड संडे के मुझे लगता है कि दोस्तों ये गया मतलब खत्म हो जाएगा दोस्तों बहुत दूर जाके फेंकेगा बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूपेंसी कैसी हासिल हुई है तो मॉर्निंग के वक्त ही दोस्तों देखो इक्यावन प्रतिशत लोग आ गए मूवी देखने के लिए गदर पार्ट टू को मतलब अभी भी दोस्तों ऑडियंस आ रही है ये देखो भाई पहले वीकेंड में रोला काट के वो भी पहला वीकेंड इंडिपेंडेंस डे दे तक दोस्तों आप लोग मान सकते हो मतलब जिस तरीके के दोस्तों ये जो मूवी है ऑडियंस को बुला रही है मुझे लग रहा है कि कल मंडे के दिन भी कुछ कमाल होगा दोस्तों कुछ कमाल होने वाला है देखते हैं कल सुबह का जो एपिसोड है साढ़े सात बजे वाला वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है देखना काफी दिलचस्प होगा कि एडवांस कितना होगा कितने का होगा बाकी दोस्तों आफ्टरनून की ऑक्यूपेंसी ओवरऑल की एटी पहुंच जाती है ओ भाई साहब जबकि शोज थोड़े गाइज गिर चुके हैं इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी नाइनटी ओवरऑल की मुझे लगता है कि दोस्तों देखो कल मंडे है तो ये अब नाइनटी से थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो 85 या फिर 80 परसेंट की ऑक्यूपेंसी नाइट की होगी जो कि बारह बजे पता चलेगा लेकिन आप लोग बोलोगे कि भाई साहब शहर वाइज बताओ किस शहर में कैसा ये परफॉर्म कर रही है तो भाई साहब सब सबसे ऊपर सबसे ऊपर दोस्तों दिल्ली एनसीआर लगभग नौ सौ छिहत्तर शोज आपको पता है कि दोस्तों इस वीकेंड एक हजार छिहत्तर थे तो हंड्रेड शोज दोस्तों कम हुए हैं लगभग नाइनटी सेवन परसेंट की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है इवनिंग की दिल्ली एनसीआर यहां मुंबई में लगभग नाइनटी थ्री परसेंट पुनेटी एट बेंगलुरु सिक्सटी नाइन हैदराबाद में फिफ्टी सेवन परसेंट की ऑक्युपेंसी दर्ज की गई दोस्तों कोलकाता में नाइनटी टू अहमदाबाद नाइन की ऑफ्युपेंसी साढ़े पांच सौ शोज भाई साहब अहमदाबाद दिल्ली मुंबई पुणे गुजरात मतलब यहां रोला काट रही है भाई साहब रुक नहीं रही ये इस बात का सबूत दे रही है कि भाई साहब ये जो मूवी है ये रुकेगी नहीं इसकी लिमिट होगी स्काई जहां जाएगी गाइज ये मतलब बहुत दूर तक जाएगी आप लोग कह सकते हो अभी आप लोग यहाँ पे देखो कि इस मूवी ने किन बड़ी बड़ी गाइज मूवी का रिकॉर्ड लाइफ टाइम का जो उन्होंने लाइफ टाइम में दोस्तों किया उस सबको इस मूवी ने दोस्तों उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया है जैसे कि पद्मावत हो गई उसने 300 करोड़ कुछ किया था सुल्तान हो गई और दोस्तों अब जल्द ये संजू या फिर टाइगर जिंदा इन सब का भी रिकॉर्ड पी के इन सब का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली है फिर दोस्तों दंगल के ऊपर ये हाथ आजमाएगी यानी कि दंगल का रिकॉर्ड मे बी दोस्तों मुझे लगता है कि कल तो टूट ही जाएगा फिर दोस्तों ये 400 सौ करोड़ क्लब में एंट्री लेगी 420 या फिर 30 करोड़ जहां तक गाइस मैं सही हूं केजीएफ का है फिर वो जाएगा फिर उसके बाद दोस्तों पीछा होगा बाहुबली का फिर बाहुबली के बाद पीछा होगा पठान का तो गाइज मतलब ये हफ्ता भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई साहब ड्रीम गर्ल के मेकर्स को मूवी को भाई मुझे लगता है कि दोस्तों आगे बढ़ाना चाहिए नहीं नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा गाइज तो बात करते हैं यहाँ पे कि कमा कितना सकती है हमारा फाइनल प्रिडिक्शन क्या होगा देखो भाई यहाँ पे बैठ के हम लोग बकलोरी नहीं करते जो बोलते हैं आसपास ही दोस्तों का एक्शन होता है हमने भी कल 31 से 32 करोड़ की बात कही थी हालांकि लोग 36, 37 या फिर पच्चीस छब्बीस कह रहे थे तो भाई साहब जो हम लोग दोस्तों आपको कुछ अमाउंट बताएं तो उसके आसपास ही रहना ज्यादा दूर मत जाना तो दोस्तों यहां पे देखते हैं कि क्या आ सकती है आंकड़े देखो भाई दिल्ली में 97 सेवन परसेंट क्योंकि पेंसी गई है जो कि इंडिपेंडेंस डे के दिन भी गई थी जो कि दोस्तों संडे के दिन भी गई थी आप लोग बोलोगे यार इतनी ओ की पेंसी गई है फिर तो यार पचास करोड़ तो बनता है यार बनता है ना पचास करोड़ लेकिन दोस्तों यहाँ पे शोज़ गिरे हैं मुंबई में भी दोस्तों लगभग सौ डेढ़ शोज गिरे हैं दिल्ली में भी गिरे हैं इन सब चीजों को देखने के बाद और मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी भी फिफ्टी रही थी तो इन सब चीज को देखने के बाद मुझे लगता है कि दोस्तों समथिंग से 40 से 42 करोड़ के बीच में कुछ आ रहा है yeah, हाँ हा, मैं एक चीज गाइस फिक्स हूं कि 40 करोड़ से ऊपर ही भाई कलेक्शन हो सकता है बाकी आप लोग अपने हिसाब से पिटिशन लगाना अगर मुझे एक अमाउंट चूज करना हो तो भाई साहब मैं 41 करोड़ चूज करूंगा 41 करोड़ मुझे लगता है कि दोस्तों इसकी जो नाइट की ऑक्युपेंसी है गिरेगी तो सही लेकिन ज्यादा नहीं गिरेगी जंगाइस ये जो मूवी है बॉक्स ऑफिस को फाड़ेगी चीरेगी ये बॉक्स ऑफिस में रुकेगी नहीं अगर मान के चलो कि दोस्तों ये 40 या 41 करोड़ कमाती है तो इसकी कमाई 377 करोड़ हो जाएगी जंगइस तीन करोड़ फिर ये जो मूवी है कल नहीं तो परसों ऑफकोर्स दोस्तों चार करोड़ क्लब में एंट्री ले लेगी देखना काफी दिलचस्प होगा कि आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल के आगे किस तरीके का दोस्तों यहाँ पे परफॉर्म होगा मुझे लगता है कि दोस्तों ये मूवी रुकेगी नहीं क्या कहना है बता दो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही